साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2021 में जो हुआ था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और क्वेश्चन बैंक 2021 में जाकर आप हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों को देखेंगे और वहां से ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिये, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो आपको क्या है, तो इससे पहले जान लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किए थे, आज हम लोग 51 से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिये, तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है साथियों, कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो साथियों, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ना वो आपको किस शैली में बना हुआ है देते हैं, तो यह आपको नवगोथिक शैली में। किस शैली में? नवगोथिक शैली में। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है यह आपको है कहाँ? तो साथियों, विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो आपको मुंबई में क्या है, मुंबई में। इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे क्या है, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है इसका जो नया नाम है वो क्या है। तो देखिए, तो इसका जो नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है ना। और 2017 में इसका नाम जो था यह किया गया था, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है इसे क्या हुआ था कि यूनेस्को की विरासत सूची में जो था वो आपको 2004 में क्या किया गया था, क्या आपको शामिल किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया टर्मिनल, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, आप क्या कहोगे? 2004 में। और विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो आपको सार्वजनिक भवन निर्माण के किस शैली का एग्जांपल है, तो क्या कहेंगे? नवगोथिक शैली का। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए, कह देते हैं कि आपको होटल ताजमहल, इसके अलावा आपको गेटवे ऑफ इंडिया वो किस शैली में बना हुआ है, तो क्या कहेंगे? वो हो जाएगा आपको इंडो सरासनिक शैली। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है, तो क्या कहिएगा? इंडो सारा सैनिक शैली में। इसके अलावा साथियों, होटल ताजमहल, क्या कहेंगे? होटल ताजमहल, यह किस शैली में बना हुआ है, तो क्या कहेंगे? कहते हैं आपको इंडो सारा सैनिक शैली में। अब हम बात कर लेते हैं नवशास्त्रीय शैली में। तो देखिये, तो नवशास्त्रीय शैली में आपको क्या है कि आपको बम्बई का जो टाउन हॉल है, क्या है? टाउन हॉल। इसे याद रखिएगा कि बम्बई का टाउन हॉल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हार्निंगवेल सर्किल, जिसको हम पहले क्या कहते थे, सिस्टर सर्किल के नाम से भी जानते थे। तो ये जो देख रहे हैं आप हार्निंगवेल सर्किल, क्या है? हार्निंगवेल सर्किल। इसके अलावा आपको क्या है, जानते हैं क्या आपको मुंबई का टाउन हॉल, ये सब किस शैली में बना हुआ है, तो कहेंगे नवशास्त्रीय शैली में। तो आपका प्रश्न यहाँ से क्या करे कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में बना हुआ है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, जानते हैं आपको नवगोथिक शैली, यानी कि 51 का जो आंसर हो जाएगा सही आंसर वो आपको ये हो जाएगा। फिर यहाँ से कई सारी चीजें गए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसकी नींव पड़ती है 1911 ईस्वी में, और यह 1924 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया है क्या, तो आपको मुंबई में, क्या है? मुंबई में है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न लोगे साथियों समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिये, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो देखिये, तो ऑप्शन यहाँ दे रहा है 1910, 1911, 1912, 1913। इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव पड़ती है 1911 में, आप बनकर तैयार होता है 1924 में। तो यहाँ 1924 में ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से प्रश्न है कि बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है ना, इसकी नींव जो डाली गई थी किसके स्वागत में। तो देखिये, तो ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उनकी जो पत्नी थी मेरी, क्या है? मेरी। तो ये दोनों जब भारत आए थे तो इन्हीं दोनों के स्वागत में क्या हुआ था कि आपको, मतलब कि गेटवे ऑफ इंडिया की नींव जो होती है वो आपको डाली जाती है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण कार्य कब शुरू होता है। तो देखिये, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य साथियों 1913 में क्या होता है कि आपको शुरू होता है। देखिये, नींव पड़ता है 1911 में, और निर्माण कार्य जो शुरू किया जाता है वो आपको कब? 1913 में। और गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो आपको जॉर्ज ब्रिगेट थे। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे? जॉर्ज ब्रिगेट। क्या कहेंगे? जॉर्ज ब्रिगेट। तो देखिये, तो ये जो 52 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है, कह रहा है तो 1753, 1853, 1915, 1923। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1853। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में, डेट के साथ याद रखिएगा। तो अब आपको 16 अप्रैल, क्या है? 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। तो फिर पूछा जाएगा कि भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। आपको बम्बई, क्या कहेंगे? बम्बई। और आपको क्या कहेंगे, जानते हैं
आपको थाने के बीच जो है आपको चली थी, और 34 किलोमीटर का जो टोटल दूरी था वो आपको तय किया गया था। कितना किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का। यहाँ से कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में, ठीक है, उसका नाम क्या था? तो साथियों उसका नाम जो है वो आपको ब्लैक ब्यूटी। क्या है? ब्लैक ब्यूटी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारत में चलने वाली जो पहली रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में रेल को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? तो साथियों भारत में रेल शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ से चीज याद रखिएगा, ये जो डलहौजी है ना, इस डलहौजी को भारत में क्या कहा जाता है? जानते हैं तो आपको रेल क्या कहेंगे? रेल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको डाक क्या है? डाक। और तार का क्या कहा जाता है? क्या आपको जनक कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि भारत में रेल डाक और तार का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको लॉर्ड डलहौजी को। तो फिर यहाँ से एक और याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी है इसका भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल जो था साथियों 1848 से 1856 था, ठीक है। तो फिर यहाँ से बात आती है, लॉर्ड डलहौजी जो है आपको भारतीय इतिहास में किस लिए जाना जाता है? तो इसने क्या किया था? जानते हैं कि आपको राज्य हड़प नीति, क्या किया था? राज्य हड़प नीति जो है शुरू किया था, इस रेल का जाना जाता है। यहाँ से बात आती है कि राज्य हड़प नीति कब शुरू की गई थी? 1848 में। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य बना था साथियों वो आपको सतारा बना था। कौन बना था? सतारा। मतलब की राज्य हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में सतारा को क्या किया गया था कि आपको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। उसके बाद राज्य हड़प नीति का शिकार जो अंतिम राज्य था वो था आपको अवध। क्या था? अवध। और अवध को 1856 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, क्या लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था, तो आपको अवध को। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर पूछेंगे कि बताइए कि राज्य हड़प नीति का शिकार अंतिम राज्य कौन था, तो आप क्या कहोगे? अवध। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं यानी कि 53 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो देखिए तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारतवर्ष लौटे थे आपको 1915 में। कितना लौटे थे? 1915 में। यानी कि वो डेट था आपको 9 जनवरी 1915। क्या था? 9 जनवरी 1915। से एक बात आती है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 ईस्वी में। एक आपको भारतीय व्यापारी थे जिनका नाम था बाबा अब्दुल्ला, उन्हीं के बुलावे पे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में और वहां से वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए साथियों हमारे भारत में प्रत्येक साल क्या होता है कि आपको 9 जनवरी को जो होता है वो आपको प्रवासी, क्या है? प्रवासी, ठीक है ना, भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस का मनाया जाता है। तो क्या कहेंगे आपको? 9 जनवरी को। तो यहाँ से एक बात आती है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो साथियों प्रवासी भारतीय दिवस जो वर्ष 2003 से जो होता है आपको मनाया जाता है, और इसे शुरू करने का जो श्रेय जाता है आपको माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एक जो है आपको केप टाउन, क्या है? केप टाउन है। एक जो है आपको प्रिटोरिया, कहाँ है? प्रिटोरिया। और एक जो है आपको ब्लोमफंटेन, क्या है? ब्लोमफंटेन। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि दक्षिण अफ्रीका की कौन सी 3 राजधानी है, आप क्या कहोगे? तो देखिए यहाँ से इसको रिकॉल कर लीजिए, एक आपको केप टाउन, दूसरा आपको प्रिटोरिया, और एक जो है आपको ब्लोमफंटेन। ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। तो ये जो 54 नंबर प्रश्न है साथ हो, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए इसमें जो दिए गए ऑप्शन है, ठीक है ना, उस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा 1930, ठीक है ना। तो हम क्या उस हिसाब से क्यों? क्योंकि इसमें डेट जो है आपको नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है वो आपको दांडी यात्रा के साथ, किसके साथ शुरू होती है? दांडी यात्रा के साथ, या इसी को हम लोग कहते हैं दांडी मार्च, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या लवण सत्याग्रह, क्या कहते हैं? लवण सत्याग्रह। तो ये जो दांडी मार्च है ये आपको 12 मार्च 1930 को क्या होती है आपको शुरू होती है, और 6 अप्रैल 1935
डांडी मार्च जो होती है वो आपको समाप्त होती है, यानी कि ये जो डांडी मार्च है साथियों ये आपको टोटल 24 डे जो है वो आपको चलाता है, यानी कि 24 दिन जो है वो आपको चलाता है। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और यह बीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा होती है नेट बीपीएससी, उसमें आपको यह क्या किया गया था कि पूछा गया था कि डांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो आपको हो गया 24 दिन, ठीक है ना। कब से कब तक, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और ये जो डांडी यात्रा देख रहे हैं यह किसके नेतृत्व में चला था, तो क्या कहेंगे जाते हैं, तो आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और गांधी जी डांडी यात्रा को जो शुरू करते हैं वो कहां से शुरू करते हैं, तो कहेंगे आपको साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम से जब ये शुरू करते हैं कितने अनुयायियों के साथ, तो अपने 78 अनुयायियों के साथ इसे क्या करते हैं, क्या आपको शुरू कर देते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गांधी जी जब दांडी यात्रा शुरू किए थे तो उनके साथ कितने शिष्य थे, उनके साथ चलने वाले, तो क्या कहेंगे 78। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो क्या कहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और विवर्स दिए गए हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे देखिए 1920, तो 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो कहेंगे असहयोग आंदोलन, क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और सहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है ना। दूसरी बात की दूसरा जन आंदोलन कहेंगे तो हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। 1923 में क्या होता है, तो देखिए आपको स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, क्या होती है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और आपको चित्तरंजन दास के द्वारा। उसके बाद आपको देखिए 1930 में तैयार क्या होते जानते हैं, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होते हैं वो आपको शुरू होते थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेने था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये आपको कब तक साथी हो, ये जो असहयोग आंदोलन है ये आपको 1920 से 1922 तक की यात्रा क्या चला था। और चौरी चौरा कांड के बाद क्या आता है, चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है कि आपको इस आंदोलन को गांधी जी क्या कर लेते हैं कि आपको वापस ले लेते थे। यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी कि बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, साथियों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो होती है वो आपको होती है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो फिर इनसे बात आएगी कि ये जो देख रहे हैं आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चला था, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले टर्म में 1930 से 1931 और उसके बाद दूसरे टर्म में 1932 से 1934 तक चलता है। तो यहाँ से आपकी एग्जाम में पूछताएंगे क्या कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है, 1930 में, और यह समाप्त कब होता है, 1934 में। हालांकि इस बीच में कुछ दिनों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले टर्म में 1930 से 1931 और दूसरे टर्म में क्या कहेंगे, तो आपको 1932 से 1934 तक। इन सभी चीजों का आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों के साथियों समझ में आ गए होंगे। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए और इसका हम डीप एनालिसिस आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछे तो आपका वहां से एक भी प्रश्न जो है वो आपको न छूटे। तो ये जो देख रहे हैं 55, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या करें। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, देखिए था गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे साथियों वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किए थे कि आपको एक सोसाइटी की स्थापना किए थे जिसका नाम है आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि भारतीय सेवक समाज। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय जी को हम लोग महामना के नाम से क्या है, महामना के नाम से क्या कहते हैं कि जानते हैं। और ये आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे कि आपको संस्थापक थे, मतलब बीएचयू के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी। लाला लाजपत राय, इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, इन चीजों को भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शेर ए पंजाब क्या कहेंगे, शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहिएगा, लाला लाजपत राय को। उसके बाद जो हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं, पंजाब को श्री क्या है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको लाला लाजपत राय। और इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो जाती है 1928 में, क्या हो जाती है 1928 में, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन के दौरान ये लाहौर में आपको प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं,
आपको लाहौर में, तो यहीं पर संतोष नामक अधिकारी जो होते हैं आपको लाला लाजपत राय पे आपको लाठीचार्ज का आदेश देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि एक माँ बाप इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको लाहौर में प्रदर्शन के दौरान किस क्रांतिकारी नेता की क्या हो जाती है कि आपको सर पे गहरी चोट आती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या कहोगे? लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। तो यहाँ पर एक टर्म आया साइमन कमीशन। तो साथियों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को होता है वो आपको भारत आता है। क्या है? भारत आता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी सदस्य अंग्रेज होते हैं और उसकी संख्या जो होती है वो आपको 7 होती है। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया, किसका विरोध किया और नारा दिया, गो बैक साइमन कमीशन। होता साइमन कमीशन वापस जाओ, क्या करो साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। और तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो कहेंगे हम क्या जानते हैं, यूसुफ मेहर अली। कौन कहेंगे? यूसुफ मेहर अली। तो देखिए तो यूसुफ मेहर अली से आपके एग्जाम में दो प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे? तो देखिए सबसे पहले कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? तो आपको यूसुफ मेहर अली। लेकिन इसी में पूछेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छोड़ो या मरो का नारा कौन दिए थे? तब कहेंगे गांधी जी। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं 56 नंबर साथियों, इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो साथियों, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्तों को भी लाभ हो, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दांडी मार्च किस आंदोलन के, यानी कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसमें और भी चीज दिए गए, जैसे देखिए कि आपको स्वदेशी आंदोलन दे देखे तो बंगाल विभाजन के उपरांत, इसके बाद तो आपको बंगाल विभाजन के उपरांत क्या हुआ था कि आपको स्वदेशी आंदोलन जो था वो आपको शुरू हुआ था। यहाँ से प्रश्न आएगी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? साथियों 1905 में। और बंगाल विभाजन करने के लिए जो जिम्मेदार वस्त्र है वह है आपको लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। हालांकि बंगाल विभाजन को बाद में क्या होता है कि आपको वापस ले लिया जाता है, कब जानते हैं? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया जाता है 1911 में, कितना में? 1911 में। और उस समय जो भारत के वस्त्राय होते हैं वो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन होते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि अगर प्रश्न पूछे कि बताइए कि बंगाल का विभाजन जो किया था किस वस्त्राय ने, तो आप क्या कहोगे? आपको लॉर्ड कर्जन। जबकि इसको वापस जो लिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में आपको दिल्ली में, तब क्या होता कि आपको बंगाल विभाजन के जो रद्द है उसके क्या कर दिया गया कि आपको घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया कि आपको रद्द कर दिया गया। इन सभी चीजों को देख लेना। और सहयोग आंदोलन जो कि आपको 1920 से 1922 तक चला था और यह आपको गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था। आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर ये जो प्रथम जन आंदोलन है इसका मतलब जो हुआ वो आपको क्या हुआ? तो देखिए तो जन आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जिसमें आपको समाज के सभी वर्ग क्या करते हैं कि आपको हिस्सा लेते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सा लेते हैं। तो इसी आंदोलन को कहते हैं हम लोग जन आंदोलन, ठीक है ना। तो देखिये असहयोग आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग क्या कहता है कि आपको हिस्सा लिया था। फिर आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको 1942 से 1944 तक जो है आपको चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक ऐसा आंदोलन था जो आपको अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्या कर दिया कि आपको विवश कर दिया। और ये जो असहयोग आंदोलन देख रहे हैं, चाहे आप भारत छोड़ो आंदोलन देख रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन देख रहे हैं, ये सभी जो है आपको गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। मतलब कि ये सभी आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो आपको गांधी जी, और गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है 1905 में, 1912 में, 1917 में, 1925 में। तो देखिए तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था साथियों वो आपको 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो देखिए साहब का सबसे पहले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? देखिए प्रश्न में दिया हुआ कहां से? बिहार में, यानी कि बिहार से। यहां से बात आती है कि चंपारण में आखिरकार ये जो सत्याग्रह था यह था क्या? तो देखिए चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था जो थी लागू की गई थी, जिसके तहत क्या था कि आपको किसानों को
20 कट्ठा जब भूमि होती थी तो उसके 3 कट्ठे हिस्से पर क्या होता था कि आपको नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है ना। जिससे किसानों की भूमि जो थी काफी ज्यादा बंजर हो रही थी, किसान इस समस्या से मुक्त होना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि आपको राजकुमार सुपी जो की चंपारण के किसान होते हैं उनकी मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से होते हैं। तो गांधी जी को वो चंपारण आने के लिए क्या कहते हैं कि न्योता देते हैं कि आप आइए वहां किसानों की स्थिति को देखिए। फिर गांधी जी आते हैं 1917 में, क्या कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कर मतलब शुरू करते हैं। और यहाँ से जो तीनकठिया व्यवस्था थी, क्या थी, तीनकठिया व्यवस्था साथियों, इस तीनकठिया व्यवस्था को क्या कर देते हैं कि आपको समाप्त करवा देते थे। इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर देखिए इसमें और भी वर्ष दिए गए, इस वर्ष के बारे में कुछ महत्व है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1905 में क्या हुआ था, आपको बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, जानते हैं तो आपको 1905 में। उसके बाद 1912 में क्या हुआ था कि भारत की जो राजधानी है वो आपको क्या होता साथियों, तो आपको कोलकाता से क्या कहेंगे, कोलकाता से दिल्ली जो है आपको मतलब कि बनी थी, ठीक है ना, स्थानांतरित नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको दिल्ली राजधानी कब बनी थी तो क्या कहेंगे, तो आपको 1912 में। उसके बाद 1925 में आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या होती है, आपको स्थापना होती है, किसकी स्थापना होती है, आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे क्या आएंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो क्या कहिएगा, 1925 का। उसके बाद देखिए 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। इन चीजों को देख लीजिएगा, ये जो 58 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1928, 1931, 1935, 1938। तो देखिए था गांधी इरविन समझौता जो है साथियों वो आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। कितना को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तक उन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, फिर क्या कहेंगे, जानते हैं 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि जो गांधी इरविन समझौता है इसके बीच हुआ था। तो देखिए एक तरफ जो थे आपको महात्मा गांधी, कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है ना। और एक तरफ जो थे उस समय के तत्कालीन वायसराय वो थे आपको लॉर्ड इरविन, क्या है, लॉर्ड इरविन। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है कि आपको गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते, किसके नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते थे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए ये जो दिल्ली समझौता है ये कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1931 में, या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। यहाँ से बात आती है कि गांधी इरविन समझौता अखेतर है क्या। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इधर गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार घबरा कर क्या होता कि दिल्ली में आपको समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया, उसी को कहा गया गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौता के बाद क्या होते हैं कि आपको गांधी जी जो होते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं, और आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। उसके बाद है आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जिसमें हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए 1928 में क्या हुआ था कि आपको नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट का। इन चीजों का आपको देख लेना है। 1928 में ही आपको 3 फरवरी को साइमन कमीशन जो होता है आपको भारत आता है। फिर यहाँ पे और भी चीजें जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए 1935 में आपको एक एक चार्टर है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। साथियों ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसके द्वारा मतलब केंद्र में आपको द्वैत शासन को लागू किया गया और प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतों को जो था आपको स्वायत्तता जो थी दी गई, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो था पहला प्रयास किया गया। उसके बाद क्या था साथियों, जानते हैं दूसरा, तो आपको ये जो प्रांतीय स्वतंत्रता है वो तो मिली ही, ठीक है ना, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, अखिल भारतीय संघ जो है वो आपको स्थापित करने का प्रयास किया गया, और एक संघीय न्यायालय का भी जो प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। तो देखिए ये जो 1935 का अधिनियम है, ठीक है ना, इसका जो है सबसे ज्यादा जो है आपको प्रभाव जो है आपको भारतीय संविधान पर क्या है कि आपको पढ़ा है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है किसका, तो आप कहोगे 1935 के क्या कहते हैं आपको भारत शासन अधिनियम का। फिर 1938 में कांग्रेस ने क्या किया था कि आपको राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाया था। क्या बनाया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति। यहाँ से प्रश्न आएगी कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है
कांग्रेस के द्वारा कब बनाई गई थी, तो क्या कहेंगे 1938 में। तो ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको पंडित नेहरू को, इनको बनाए गए थे पंडित नेहरू को। हालांकि इस राष्ट्रीय नियोजन समिति ने अपने रिपोर्ट आजादी के बाद 1948 में क्या करता है कि देश के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं कौन, तो वे आपको सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। तो उन्हीं के अध्यक्षता में, सॉरी उन्हीं के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या होता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है और इस समिति के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं चाचा नेहरू को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनी थी, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, तो वह आपको 1938 में। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साथियों साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को, कितना को 3 फरवरी 1928 को जो है आपको साइमन कमीशन जो है वो आपको भारत आता है। और इस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं, तो आपको लॉर्ड इरविन होते हैं। कौन होते हैं, लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है कि साइमन कमीशन जो है यह जब भारत आया था इससे पहले इसकी नियुक्ति कब होती है। तो देखिए, तो साइमन कमीशन की अगर हम नियुक्ति की बात करेंगे तो ये आपको 1927 में, कहता है 1927 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों इसके अध्यक्ष का नाम है देखिएगा वो थे आपको सर जॉन साइमन। कौन थे, सर जॉन साइमन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेगा सर जॉन साइमन। इन चीजों का आपको देख लेना है। साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी, तो साइमन कमीशन में जो सदस्यों की संख्या थी साथियों वो आपको कितनी थी जानते हैं, वो आपको 7 थी, क्या थे 7, ठीक है ना। पर इसके सभी सदस्य जो थे वो आपको अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया और नारा दिया गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन भारत आया क्यों था, तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 1919 में, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या है गवर्नमेंट ऑफ क्या जाते हैं इंडिया है, क्या है इंडिया एक्ट, क्या हुआ था, क्या आपको जो भारत आया था, ठीक है ना, 1900 कितना जानते हैं 19 में, इसी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जांच करने के लिए क्या होता है कि आपको साइमन कमीशन जो होता है वो आपको 1928 में आता है। हालांकि साइमन कमीशन का जो आना था वो आपको कब आना था जानते हैं, तो वह आपको यानी कि 1929 में आना था, क्योंकि साइमन कमीशन में प्रावधान किया गया था, क्या जानते हैं कि आपको साइमन कमीशन कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 1919 के अधिनियम का समीक्षा कब किया जाना था आपको 1929 में, लेकिन यह आपको समय से पहले ही क्या होता है कि आपको आ जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको मतलब आपको बढ़िया से देख लेना है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा आपको क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि आपको प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, तो द्वैत शासन सबसे पहले लागू किया गया था कहा, तो आपको बंगाल में। तीन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और एक लास्ट क्वेश्चन से याद रखिएगा 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यह आपको 1921 में क्या होता है कि आपको लागू होता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिशन के एग्जामों में, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब लागू हुआ था, तो आपको 1921 में। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो 60 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। इसमें और भी वर्ष दिए गए हैं, इन वर्षों के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, जैसे देखिए 1932 में क्या होता है कि आपको यानी कि पूना समझौता होता है, क्या होता है पूना समझौता, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखेंगे सामुदायिक पंचायत की क्या घोषणा होती है। उसके बाद 1924 में याद रखिएगा क्या होता है कि आपको लेनिन की मृत्यु होती है, ये भी आपके क्या पीछे याद इसलिए बता दिया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको 1924 में। और 1920 में जो होता है लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की क्या होती है, आपको स्थापना होती है। तो ये सारे चीजें आपको याद होने चाहिए। तो ये जो देखते हैं 60 नंबर प्रश्न इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए कह रहा है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा विचार है। तो साथियों तहकीक ए हिंद जो है ना वो अलवरुनी का क्या है, क्या आपको यात्रा वृत्त, क्या है अलवरुनी का यात्रा वृत्त। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो तहकीक ए हिंद है या इसी को कहते हैं हम लोग किताब उल हिंद, क्या कहते हैं किताब उल हिंद, क्या कहते हैं किताब उल हिंद, क्या है किताब उल हिंद, या इसी को कहते हैं तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। जो आपको किस भाषा में लिखा गया, कहेंगे आपको अरबी भाषा में, क्या कहेंगे
अरबी भाषा में जो था आपको लिखा गया था, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये जो तुर्की के हिंद है ठीक है ना, इसके जो लेखक है अलबरूनी, वो किसके साथ वारदात आया था, यह आपको मोहम्मद गजनवी के साथ, किसके साथ आया वारदात था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो साथियों आपको भारत जो था वो आपको आया था, कब आया था आपको 224 में और 230 तक रहा था। उसके बाद एक इवन जो था यह आपको 1333 ईस्वी में भारत रहा था, 1342 ईस्वी तक भारत रहा था। इसका जो यात्रा विधा है ना साथियों, वह आपको किताबपुर रेहला, क्या है किताबपुर रेहला, इस बात को याद रखिएगा। ये जो रेहला है साथियों, इसकी जो भाषा है ना वो आपको क्या कहते हैं, इसकी जो भाषा है वो आपको अरबी है, क्या है अरबी है। देखिए तो यहाँ से याद रखिएगा, आप क्या कहते हैं कि आपको ये जो रेहला है उसका, और इधर किताबुल हिंद है उसका, दोनों का जो भाषा है ना वो आपको अरबी है, क्या है अरबी है। इसके बाद देखिए अब्दुल रजा, किसने लिखा था मतल साधन, क्या लिखा था मतल साधन, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। किसने क्या लिखा था तो क्या कहेंगे जाते हैं तो आपको मतल साधन, क्या लिखा था मतल साधन, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या लिखा था तो क्या कहेंगे आपको मतल साधन लिखा था ठीक है ना। और यह जो था अब्दुल रजा, यह आपको कहाँ का था फारस का था, फारस बोले तो यानी कि ईरान का। उसके बाद है मार्को पोलो, जो आपको 1290 ईस्वी में क्या हुआ था कि पांडे राज्य की यात्रा पर आया था, आपके बुक में देंगे 1292, लेकिन कंप्यूटर में आप इसे याद रखेंगे 1290। और मार्को पोलो को मध्य युगीन यात्रियों का क्या कहा जाता है कि आपको सरताज कहा जाता है। और मार्को पोलो जो था साथियों वो आपको इटली का था, कहाँ का था इटली का, और इटली का खास नगर कहेंगे साथियों तो हो जाएगा आपको वेनिस नगर, क्या हो जाएगा वेनिस नगर। तो देखिए तो ये जो भी आपको डीप एनालिसिस करके बताया जा रहा है, इसका मकसद एक ही है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वो तो आपको तो छूटे ठीक है ना। और इसका एनालिसिस डीप इसलिए भी हो रहा है ताकि जो कंपटीशन के स्टूडेंट है उसको भी क्या होंगे कि आपको कम आ जाएंगे ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, तो साथियों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1600 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो देखिए तो भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनी की स्थापना होती है उसको आप याद रखिए ठीक है ना। तो कई सारी यूरोपीय कंपनी की स्थापना उसको पहले जानिए, जैसे सबसे पहले एक स्थापना वर्ष 1498, उसके बाद आपको 1600 क्या है 1600, फिर आपको 1600 तो फिर आपको 1616 क्या है 1616, फिर यहाँ से हो जाएगा आपको 1664, उसके बाद हो जाएगा साथियों 1731, क्या है 1731। देखिए ये सभी यूरोपीय कंपनी के क्या है कि आपको स्थापना वर्ष क्या है स्थापना वर्ष, देखिए किस समय किस कंपनी की स्थापना हुई थी यह जान लीजिए ठीक है ना। तो देखे तो 1498 ईस्वी में साथियों जो स्थापना होती है वो आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, किसकी होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद 1600 ईस्वी में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1616 में डेनिश, क्या कहेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1664 में आपको फ्रांसीसी, क्या है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1731 में जो है वो आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो से बताती है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है आपको 1600 ईस्वी में किसके आज्ञा पत्र द्वारा, तो कहेंगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए होता है ठीक है ना। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करने, साथ साथ जो आपको ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है उसको क्या करना है कि आपको और अधिक क्या करना है कि आपको युद्ध करना। इसके अलावा आपको भारत को क्या है कि आपको ब्रिटेन के लिए लाभदायक बनाना, इन सभी उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है स्थापना होती है। और यहाँ पर और भी कंपनी का हम क्या कर दिए आपको स्थापना वर्ष बता दिए, जिसे भी आपको देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 62 नंबर पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। साथियों संथाल विद्रोह जो होता है ना 1855-56 के अंदर, कब होता है 1855-56 के अंदर ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो संथाल विद्रोह है, इस संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो आपको कौन थे, तो साथियों संथाल विद्रोह के जो नेता थे ना वो आपको सिद्धू एवं कानू थे। कौन थे सिद्धू एवं कानू, क्या है सिद्धू एवं कानू जो थे वो आपको संथाल विद्रोह के क्या थे कि आपको नेता थे। तो संथाल विद्रोह में संथाल क्या है आपको एक जनजाति है, क्या है एक जनजाति है। और अभी संथाली जो उनकी भाषा है उन्हें संविधान के 8वीं अनुसूची में भी क्या है कि आपको शामिल कर लिया गया है वर्ष 2003 में। इन सभी चीजों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे
जाएंगे तो इसका सही आंसर मान लीजिएगा डी, यानी कि संकल्प होगा प्रकाश और ध्वनि सफर। अगला देखिए कह रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया। तो साथियों ये जो महलवारी व्यवस्था गवर्नर जनरल में अगर बात आएगी तो जाएगा आपको लॉर्ड विलेजी। क्या है लॉर्ड विलेजी, और लॉर्ड विलेजी का कार्यकाल क्या है 1798 से 1805। क्या है 5। और ये जो लॉर्ड विलेजी है यह भारत में सहायक संधि के लिए क्या होता है क्या तो जाना जाता है, किसके लिए सहायक संधि के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि सहायक संधि के लिए जो है कौन जाने जाते हैं तो क्या कहिएगा लॉर्ड विलेजी। तो यहाँ से एक बात आती है कि सहायक संधि कब हुई थी तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो यह आपको 1798 ईस्वी में हुई थी। कहता है 1798 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था साथियों वो आपको कौन था जानते हैं, तो वो आपको हैदराबाद था। कौन था हैदराबाद। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना हैदराबाद। उसके बाद यहाँ से देखिए और भी विकल्प है जैसे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में भारत के कार्यकाल क्या था 1848 से 1856। और यह भारत में किस लिए जाना जाता है, इसने क्या कहता है आपको राज्य हड़प नीति। क्या है राज्य हड़प नीति को क्या कहता है, आपको शुरू किया था जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे यह हड़प लेता था। हालांकि अवध को 1956 में प्रशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया था कि आपको हड़प लिया गया था। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी क्या है कि आपको गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका कार्यकाल 1828 से 1835 है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कहा का बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत क्या हुआ था जानते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है प्रमोट होकर क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या हो गया जानते हैं कि आपको भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इसने भारत में सती प्रथा का क्या किया था कि आपको अंत किया था और लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना था। आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में, ठीक है ना, कि किसके द्वारा लागू किया गया था, तो क्या कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके अनुशंसा पर, तो आपको लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। लॉर्ड मैकाले कौन थे, तो भारत में गठित जो प्रथम विधि आयोग था उसके अध्यक्ष थे। यहाँ से एक बात आती है कि विधि आयोग का अध्यक्ष जो है भारत में सब हुआ था साथियों 1834 ईस्वी में। क्या है 34 ईस्वी में विधि आयोग का क्या होता है कि गठन होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आपको लॉर्ड मैकाले कौन बनते हैं लॉर्ड मैकाले। तो साथियों इसी लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में क्या होता है कि आपको अंग्रेजी शिक्षा जो होती है उसे क्या किया जाता है कि आपको लागू किया जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 64 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सी नहीं। क्या कहेंगे तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, जरा सा समझिए। करा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, देखिए करा जतरा भगत, दुबिया गोसाई, भागीरथ, सिद्धू और कानू। तो देखिए संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो आपको सिद्धू और कानू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कैसे बात आती है संथाल विद्रोह कब हुई थी, आपको 1855-56 में साथियों संथाल विद्रोह होता है। और संथाल विद्रोह में संथाल कौन है तो क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको एक जनजाति है। क्या है एक जनजाति है, ठीक है ना। इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए देखिए तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर जरा सा हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए क्या कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था। तो साथियों दक्कन दंगा आयोग का जो गठन किया गया था 1875 में, कहता है 1875 में। और इस दक्कन दंगा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया था, क्या दिया था रिपोर्ट, वो कब दिया था तो याद रखिएगा 1875 में। फिर अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है वो आपको कहा जानते हैं, तो वो आपको ब्रिटिश संसद में, कहा ब्रिटिश संसद में। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो पेश किया था कहा ब्रिटिश संसद में। इस जो ये जो ब्रिटिश संसद है साथियों इस ब्रिटिश संसद को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पार्लियामेंट। साथियों ये हम आपको क्यों बता रहे हैं क्योंकि जो पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको काफी ज्यादा ये काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है ना, इसके दो सदन है। एक का नाम है आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या है हाउस ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको कॉमन्स क्या है
हाउस ऑफ कॉमन्स और एक जो है आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या कहेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो साथियों ये जो देख रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है ना, तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, जबकि आपको हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है। तो इसे भी आप क्या रखेंगे, इसे निम्न सदन, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो होता है वो आपको उच्च सदन जो है वो आपको कहा जाता है। ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। फिर यहाँ से बात आएगी कि सर ये बताएं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। तो देखिए ब्रिटेन में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या होता है कि आपको सदस्य होता है, और इस हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपको दादा भाई नौरोजी थे, जो आपको 1892 ईस्वी में फिंसवरी से क्या हुए थे कि आपको हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या बने थे कि आपको सदस्य बने थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 66 नंबर प्रश्न साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पे प्रश्न को लिख देंगे। तो जब हम कमेंट को रीड करेंगे जब फुर्सत के समय में, तो वहां पे आपको क्या करेंगे जानते हैं कि जो भी समस्या होगी आपको सारे समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इन सारे चीजों का अनुष्ठ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, या हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए जो आपको मटेरियल है जो हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसे रिसीव करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपको अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी उसे आप ज्वाइन कर ले। इसके अलावा हमारे जो फेसबुक पेज है उसे भी आप लोग क्या करेंगे फॉलो कर लेंगे, ताकि वहां जो भी सूचनाएं हो आपको जल्दी मिल सके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है। देखिए करा छबीली मनु मणिकर्णिका इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जन्म जो होता है साथियों वो आपको काशी में क्या होता है, काशी में क्या होता है, काशी में, ठीक है ना। और इनका जन्म काशी में कब होता है, तो वह आपको 1828 में कब होता है, 1828 में। हालांकि 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण क्या होता है कि इनकी हत्या होती है ह्यूरोज नामक अधिकारी के द्वारा जो होता है वो आपको कर दिया जाता है। ये जो ह्यूरोज होता है वो आपको अंग्रेजी सेनापति होता है जिसने क्या कहा था कि आपको सागर में और आपको क्या कहते हैं कि झांसी में विद्रोह का क्या किया था कि दमन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मी भाई का क्या कहते हैं कि आपको बचपन का नाम, तो कहेंगे छबीली मनु मणिकर्णिका। और इस पर एक मूवी भी आई थी द क्वीन ऑफ झांसी, यानी कि मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जिसमें कंगना रनावत जो है तो आपको क्या कहने जाते हैं कि आपको झांसी के रानी का जो किरदार है वो आपको निभाए थे। ये जो 67 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। लक्ष्मीबाई, वैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत अमर, बेगम जिनत अमर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत अमर। यहाँ से एक बात आती है कि जो अवध है तो अवध को सहायक संधि के द्वारा कब मिला लिया जाता है, तो आपको 1801 में। देखिए कि सहायक संधि जो अवध के साथ थोपा जाता है कब, 1801 में, जबकि अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हरत नीति के तहत दलहौजी क्या करते हैं कि आपको मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो देसी रियासत थे वो भी आपको अंग्रेजों के क्या थे कि आपको खिलाफ हो गए, ठीक है ना। तो अवध में जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो वहां से आपको बेगम हजरत अमर और आपको क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको ब्रिजिश कादिर जो है दोनों ने मिलकर क्या किए थे कि विद्रोह का मतलब कि नेतृत्व किए थे। हालांकि विद्रोह के दमन के बाद जो होते हैं बेगम हजरत अमर जो होते हैं वो आपको नेपाल भाग जाते हैं, क्या भाग जाते हैं नेपाल, ताकि वो अंग्रेजों के हाथ न लग सके। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अवध पूछेंगे तो या चाहे यहीं पर आपको पूछ दिया जाता लखनऊ, क्या कहेंगे लखनऊ, तो बात क्या हो जाएगा आपको एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों होंगे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए तो ये जो 66 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब बताइए कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो आपको लॉर्ड कैनिंग था, कौन था लॉर्ड कैनिंग। और इसी में प्रधानमंत्री पूछते ब्रिटेन का तो वो था आपको लॉर्ड अस्टर्न, क्या होता है लॉर्ड अस्टर्न। तो ये भी पूछा जाता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था कौन, क्या कहेंगे लॉर्ड पामर्स्टन। तो देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया गया जरा सा जानते हैं। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव, या देखिएगा या आपको बंगाल के प्रथम क्या थे कि आपको गवर्नर थे, और बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको रॉबर्ट क्लाइव को, इसे याद रखिएगा
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत में सती प्रथा को क्या कहते हैं कि आपको प्रतिबंधित किए थे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किए थे। लॉर्ड डलहौजी, इन्हें भारत में रेल डाक और तार का क्या कहा जाता है कि आपको पिता कहा जाता है। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी, क्या जानते हैं ये जो लॉर्ड डलहौजी है यह राज्य हड़प नीति के लिए क्या जाने जाते हैं, और इन्हीं के समय में डाक अधिनियम जो होता है 1854 में क्या क्या को पारित होता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाक अधिनियम जो है किसके समय में पारित हुआ था, क्या कहेंगे जानते हैं तो आपको डलहौजी के समय में 1854 में। और यह डाक अधिनियम भी जो होता है वो आपको 1857 की क्रांति में क्या होता है कि आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे सैनिक जो होते हैं आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि सैनिक को भी अब क्या होता है कि डाक टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति साथियों जो शुरू होती है वो आपको 10 मई को क्या है 10 मई को, और इस 1857 की क्रांति में जो शहीद होने वाले जो पहले सैनिक थे वे थे आपको मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। अब चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा साथियों 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था। तो देखिए कह रहा है सती प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, शरीर वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर वाले कारतूस का प्रयोग, क्योंकि देखिये क्या आपको 1856 में क्या है 1856 में क्या हुआ था कि एक आदेश के द्वारा आपको क्या हुआ था कि ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग को क्या हुआ कि आपको लाया गया। तो ये जो एनफील्ड राइफल है इसमें क्या होता था जानते हैं कि आपको कारतूस को लगाने से पहले उसको दांतों से क्या होता था कि छिलना पड़ता था। आज सैनिकों में अफवाह फैल गया था, क्या जानते हैं कि ये जो कारतूस है ना या इसके जो आपको मतलब की कवर जो है वो आपको गाय और सुअर के क्या चर्बी से बनाया, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इसका क्या किया कि प्रयोग करने से मना कर दिया। और सबसे पहले मंगल पांडे मना किए थे, ठीक है ना, इसलिए मंगल पांडे को क्या होती है कि आपको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस होते हैं यही 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या होता है कि आपको मुख्य कारण जो होता है वो आपको बनता है। फिर देखिए सती प्रथा की समाप्ति, तो यह आपको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत 1848 में आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब राज्य हड़प नीति का सिद्धांत, ठीक है ना, और सतारा को सबसे पहले हड़प लिया गया था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की जो अनुमति मिलती है भारत में वो आपको 1813 में आपको चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। तो ये जो देख रहे हैं आप यानी कि 70 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको समझ में आई या नहीं आई आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो साथियों हम्पी नगर जो है ना वो आपको विजयनगर साम्राज्य से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे साम्राज्य के नाम दिए गए हैं जिसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना जो होती है 1336 ईस्वी में, कहता है इसमें 1336 ईस्वी में। इसमें और साम्राज्य जिसके बारे में जान लेते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में होती है। इस सब चीज को आपको देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आपको चाणक्य के सहयोग से धनानंद को प्राप्त किए थे और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद है गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है, आपको श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। उसके बाद है आपको बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, तो कहेंगे आपको अलाउद्दीन। क्या कहेंगे? अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या है? अलाउद्दीन बहमन शाह। इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ये आपको करियर थे। क्या थे? करियर थे और आपको बुका थे। इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है। आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न है साथियों आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि क्या जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं क्या कि मौर्य साम्राज्य इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी साथियों पाटलिपुत्र थी। क्या थे? पाटलिपुत्र। जबकि आपको गुप्त साम्राज्य की राजधानी यह भी आपको पाटलिपुत्र थी। कहा? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा चंद्रगुप्त दौर मतलब द्वितीय जो होते हैं गुप्त वंश कहा जाए द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है वह पाटलिपुत्र के अलावा राजधानी पुजनी भी बनाया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी आपको गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपको हम्पी थी। सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो प्रश्न आपका दिया गया है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है तब क्या कहोगे? विजयनगर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपको सही आंसर हो जाएगा यानी कि 71 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 72 की तरफ। क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी बताएं कि आपको 1300
36 ईस्वी में। और याद रखिएगा कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। तो देखिए 1336 में विजयनगर की स्थापना, किसकी, विजयनगर की, क्या होती है, क्या आपको स्थापना होती है, और आपको 1347 में बहमनी की स्थापना होती है। इस दोनों के स्थापना के समय जो दिल्ली का सुल्तान होता है ना साथियों, वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक होता है। कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक होता है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। ये जो प्रश्न देख रहे हैं 72 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन का 1325 से क्या था जानते हैं, 1351 ईस्वी था। इन सभी बातों को आपको अच्छे से देख लेना है। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि अमुक्त मलयाल, ठीक है ना, क्या है अमुक्त मलयाल, किसने लिखा था, हरिहर भवन, भूखा भवन, देवराय भवन, कृष्ण देवराय। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय। थोड़ा सा ऑप्शन जो इधर उधर हो गया है, ठीक है ना, टाइपिंग के समय थोड़ा मिस हो जाती है, देख लीजिएगा। तो अमुक्त मलयाल, इसके अलावा आपको जयवंती कल्याणम, इसको जो लिखने वाला राजा थे वो कौन, कृष्ण देवराय। और इनका जो शासन काल है 1509 से 1529 है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कृष्ण देवराय है इनका जो संबंध है वो आपको तुलु वंश है। किस वंश से है, तुलु वंश है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो कृष्ण देवराय है इनका संबंध जो है किस वंश से है। तो क्या कहेगा जाते हैं, इनका संबंध जो है वो आपको तुलु वंश से है। इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको देख रहे हैं मतलब कृष्ण देवराय, हालांकि इनका संबंध विजयनगर से भी कह सकते हैं क्योंकि विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे और विजयनगर के अंतर्गत 4 राजाओं ने शासन किया था, ठीक है ना, जिसमें से आपको एक है संगम वंश। तो देखिए इसमें से हरिहर वन, हरिहर वन, देवराय और ये सभी जो है आपको संगम वंश के राजा है, ठीक है ना। एक है संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, एक है तुलु वंश और एक है आपको हरविडु वंश। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। ये जो प्रश्न देख रहे हैं 73, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। देखिए तो आयंगर पूछे तब या आपको नायंगर पूछे तब, यह दोनों व्यवस्था का जो संबंध है ना तो आपको विजयनगर से, किससे है, विजयनगर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कई सारे साम्राज्य के बारे में दिए गए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत क्या होते हैं, क्या आपको अस्तित्व में रहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक कहेंगे तो आपको इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा मुगल साम्राज्य, इसकी स्थापना 1526 में होती है और 1857 तक मुगल वंश क्या होते हैं कि भारत में शासन करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा बताइए कि मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे, तो बाबर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करते हैं, तो क्या कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कब, 1206 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी होते हैं लोदी वंश से, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके ही बाबर जो होता है भारत में क्या करते हैं, आपको मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, 75 नंबर। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी, मोहम्मद कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गजनी। क्या हो जाएगा, गजनी। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए ये जो अलबरूनी भारत कब आया था, 1224 में, 1230 तक किया था, मतलब 100 वर्ष। और अलबरूनी जो था मतलब पहला ऐसा मुसलमान था जिसने क्या किया था कि आपको पुराणों का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तैमूर लंका भारत का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी जो होते हैं याद रखिएगा कि आपको 1191 ईस्वी में तरान के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारता है। उसके बाद 1192 में तरान के द्वितीय युद्ध में यह क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को छल से पराजित कर देता है। तो ये जो मोहम्मद गोरी है इसी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करता है। तो हम जो बोल रहे हैं ना उसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा वीडियो के जो आपको क्या की स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करके आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे। उसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम, यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जो भारत पर क्या किया था कि आपको अटैक किया था। कहेंगे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, क्या कहेंगे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। और मोहम्मद बिन कासिम जो होता है 712 में क्या होता है कि आपको भारत के जो सिंध वाला एरिया होता है वहां पर यह अटैक करता है। और यह सबसे पहले क्या करता है कि आपको भारत में जजिया कर लेकर आता है, क्या लेकर आता है, जजिया करता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में जजिया कर लेकर सबसे पहले कौन आया था,
तो क्या कहेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों को जजिया क्यों लगाया था? तो कहेंगे आपको फिरोज शाह तुगलक जजिया कर को 1564 में कौन समाप्त कर देता है? तो कहेंगे आपको अकबर। औरंगजेब इसे पुनः कब लागू करता है? 1679 में। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे कि आपको 75 नंबर प्रश्न तक ही क्या करेंगे सीमित रखेंगे, फिर कल हम इससे आगे के टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।